मैं रामनवमी के दिन तालाब चौक में झांकियाँ देखने के लिए गया था। ठीक है, मेरा छोटा बच्चा था, छोटे बच्चे के साथ में ये मेरे छोटे भाई का बच्चा इधर सरापा सारा साइड में घूमने के लिए आया था, देखने के लिए कि वो स्टॉल वगैरह लगी है, जुलूस देखने के लिए जी। तो मैं तालाब चौक में खड़ा था, देख रहा था वहाँ पे। तो थोड़ी देर बाद में 5-10 मिनट देखा और उधर से पत्थरबाजी चालू होने लगी। जैसे पत्थरबाजी चालू हुई तो मैं थोड़ा उधर से भाग के थोड़ा पीछे गया, पीछे गया। थोड़ी देर बाद खबर आई कि उधर माली मोहल्ले में आग लगा दी है। जैसे आग लगा दी है तो जैसे तुरंत आग का मालूम चला तो मेरे को याद आया कि मेरे बच्चे उधर सरापा में घूम रहे हैं, उनको घर ले जाऊं, तुरंत घर ले जाके और मतलब बाहर नहीं निकलने दूंगा। तो मैं सीधे आया, मेरा ठेला लगा था जवाहर मार्केट में, तो बड़ा बच्चे के पास में लेके आया इनको दोनों को पकड़ के। तो दोनों से, बड़े बच्चे से बोला मैंने कि दोनों को ये घर छोड़ के आओ, और पीछे से हमारा और अंकल का ठेला लगा है सरकारी हॉस्पिटल पे, तो उनका भी ठेला बंद करवा देना क्योंकि दंगा बढ़ते जा रहा है। आंसू के गोले फेंकने लगे, फिर दंगा बढ़ते गया जी। इसके बाद में ये बच्चे को लेके आया, मेरा बड़ा बच्चा, तो इधर घर पे आया तो उसकी अभिजीत की मम्मी ताला लगा के और उसकी छोटी बहन अदिति को मेरी दीदी के घर छोड़ के बोला कि अभी थोड़ी देर बाद में अभी अभिजीत को पता लगा के आते, कहाँ है, किधर है, ढूंढ के लाते हैं, तब तक तुम दीदी घर रहना, और लौट के आ जाएंगे तो घर चलेंगे अपन। तो उधर से जब तक वो उधर देखने गई, उधर थोड़ी देर बाद मेरा भाई गया पीछे से कि अभी तक ये लक्ष्मी क्यों नहीं आई, और बच्चे तो आ गए हैं। तो तत्काल वो मोटरसाइकिल से गया तो सब जगह ढूंढा तो कहीं नहीं पता चला। फिर इसके बाद में मैं भी गया, हम भी गए, तो वहाँ पे जाके सब जगह ढूंढा। एक जगह वो उधर जा रहा थे भीड़ में, तो पुलिस वाले ने बोला कि उधर क्या मारने जा रहा है, वो तो डंडा मारा। तो मैंने कि सर मेरी वो छोटे भाई की पत्नी है ना, वो अभी दिख नहीं रही, लापता है सब जगह जी। सब जगह ढूंढते ढूंढते परेशान है मैं, रात को 12 बजे तक मैंने ढूंढा है, रात को 12 बजे तक ढूंढा। इसके बाद में फिर मैं गया कोतवाली, कोतवाली में मैंने एप्लीकेशन लगाया, मैंने सर मेरा आवेदन लिख लो, मेरी भाई की पत्नी गुमशुदा है। तो मैंने उनने FIR लिखी, मेरी FIR लिख के FIR सीधी मेरे को दे दी है 10 तारीख को। फिर मैं 1 बजे तक फिर भी मतलब सब जगह देखते रहे। सरापा में फिर मैं गया एक बार, तो उधर दंगा बहुत बढ़ गया था, फिर तो बढ़ते गया। फिर इसके बाद घर आया और रात में मैं ऐसे ही बैठा रहा अकेला, सभी पूरा परिवार बैठा रहा, रिश्तेदार भी जो भी है खरगोन में वो भी सब इकट्ठे हो गए हमारे एक तरफ। इसके बाद में रात को फिर सुबह फिर मैं गया 9-10 बजे, 9-10 बजे गया तो हमने कि सर ऐसी ऐसी समस्या है, आपको पता चला कहीं लक्ष्मी का रात में आपका फोर्स गया हो? तो उनने बोला कि बिल्कुल अभी तो कोई जानकारी नहीं है, और आपको पता चला? हमने कि सर आपसे हम पूछ रहे हैं, आप बताओ ना, हम तो ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गए। तो उनने पुलिस वालों ने बोला कि एक सर बोलते हैं कि बेटा अभी तो कोई सुनवाई नहीं हो पाएगी, अभी क्या है दंगा बढ़ गया है और इधर तो कोई सुनवाई नहीं होगी, आप थोड़ा जानकारी लो सब जगह रिश्तेदारी। बिल्कुल पवन जी, मैं पूरी जानकारी आपसे लूंगा, आपके बराबर भी जो बच्ची बैठी है, क्या ये लक्ष्मी जी की बेटी है? हाँ बेटी है ना जी। अगर संभव हो तो क्या मैं इनसे अदिति से बात कर सकता हूँ कुछ वक्त के लिए? हाँ कर सकते हो ना, इससे बात कर सकते हो। हाँ अदिति मुझे बताइए, अगर आपको मेरी आवाज अदिति आ रही है, कि मम्मी से आप कब मिली थी, मम्मी से आपकी बात कब हुई थी? हाँ बात करो। हेलो अदिति, आपको आवाज आ रही है मेरी? बोलो। हेलो अदिति, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। मुझे बताइए कि अपनी मम्मी से आपकी लास्ट टाइम मुलाकात कब हुई थी, आप उनसे कब मिली थी? मम्मी कब गए थे? 10 तारीख को। 10 तारीख को मिली थी। तो जब आप घर से बाहर जा रही थी तब मम्मी मिली थी आपको उस वक्त? हाँ। दस तारीख के बाद सब लोग ढूंढ रहे हैं उनको, तो याद आती है मम्मी की? हाँ आती है ना। पुलिस अंकल ने कुछ कहा आपको कि मम्मी कब तक आएंगे? बताओ ना कि भैया को ढूंढने गई थी मम्मी। मम्मी ने बोला आप बुआ के घर चले जाओ, मैं भैया को ढूंढ के आ रही, फिर अपन लोग घर पे चलेंगे, तब से वो आया नहीं है।
मम्मी आपको कहाँ छोड़कर गई थी? मम्मी मेरे को है ना बुआ के घर पे छोड़ के गए थे। और जब बुआ के घर मम्मी ने छोड़ा आपको, तो मम्मी ने क्या कहा था आपको, कहाँ जा रही हैं? मम्मी ने बोला कि मैं भैया को लेने जा रही हूँ, भैया को ढूंढने जा रही हूँ, तुम बुआ के घर रहना, फिर अपन चलेंगे संगे संगे घर पे। तो भैया कहाँ गए थे उस वक्त? सरापा पे थे। ठीक है, रामनवमी के दिन। ठीक है पवन जी, मुझे आप ये बताएं कि पुलिस की तरफ से अभी तक आपको क्या आश्वासन मिला है सर, क्या जवाब मिला है आपको पुलिस की तरफ से? सर अभी तक तो मैं 5 दिन हो गए, अभी तक तो मैं घूमते 4 दिन घूमने, आज तो मैं गया नहीं हूँ क्योंकि सब ये पत्रकार वगैरह सब भैया आ रहे हैं यहाँ पे, तो मैं 4 दिन बराबर गया है, सब सर से पूछा है, धीमान जी से पूछा है, TI साहब से मेरी कल मैं खुद जाके मिला, TI साहब बोलते कि तेरी मैं खबर दूं और मैं इधर संभालूं कि तेरे को खबर दूं, क्या जानकारी दूं तेरे को? हमने कि सर ये जानकारी दो कि आप कह रहे हैं कि खुद से हमें आसपास चल के देख लो, रिश्तेदारों में पता कर लो, तो हमने कि आप एक कुछ दे दो कि कोई पुलिस वाले हमको परेशान ना करें इसके वजह से। ये उसका मेरी वो बहू का मोबाइल गिर गया है, उसकी लोकेशन निकलवा दो, उसकी जान पड़ताल करवा दो मोबाइल की, तो खुद ही मालूम चल जाएगा। पवन जी, आपके जितने सवाल हैं हर सवाल का उत्तर पुलिस को और सरकार को देना होगा, और लक्ष्मी के बारे में परिवार को जानकारी देनी होगी, उनका फर्ज है, उनका काम है। हम कोशिश करेंगे सर कि आपकी आवाज को हम संबंधित अधिकारियों तक लेकर जाएं और वहां से आपके लिए जवाब भी लेकर आएं। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया सर, उम्मीद हम करते हैं कि जल्दी ही अपने परिवार के सदस्य से आपकी मुलाकात होगी और सकुशल होंगी जहां भी होंगी। शुक्रिया आपका।